हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम बाउंटी बार्स बनाएंगे। बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है और स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती हैं। तो आइए बाउंटी बार्स बनाना शुरू करते हैं। बाउंटी बार्स बनाने के लिए मैंने ये 200 ग्राम मिल्क चॉकलेट कंपाउंड को इस तरह कट करके ले लिया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं ताकि हमारी चॉकलेट ईजिली मेल्ट हो जाए। ये मैंने 1.5 कप नारियल का बुरादा ले लिया है, इसे हम डेजिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। ये मैंने 1/2 कप चीनी ली है और ये 1 कप दूध ले लिया है। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें 1 कप दूध डालेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को मेजरिंग कप से मेज़र करके लिया है, पर अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लें और उसके हिसाब से सारी चीज़ों को मेज़र करके ले लें। तो अब हम इसमें ये 1/2 कप चीनी डालेंगे और चीनी को दूध में मिक्स करते हुए जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ आप देखिए हमारी चीनी भी अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है। तो अब हम इसमें 1.5 कप नारियल का चूरा डालेंगे, इसे हम डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं और ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप पर बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो अब हम गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे जब तक पकाएंगे जब तक इसमें से सारा मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। पर ध्यान रखेंगे कि इसे लगातार इस तरह चलाते रहेंगे ताकि हमारा मिक्सचर पैन के तले में लगे नहीं। तो यहाँ आप देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो एकदम ड्राई हो गया है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और हमारा जो दूध था वो अच्छे से सूख चुका है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो ये हमारा गोले का जो बुरादा है ये एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे इस तरह दबाते हुए इसे इस तरह रेक्टेंगुलर शेप देंगे। आप चाहें तो इसे अपने मनपसंद के किसी और शेप में भी बना सकते हैं। तो अब हम इसी सेम प्रोसेस से सारी बार्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए मैंने सारी बार्स को इस तरह बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इन्हें 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। तो जब तक हमारी बार सेट होंगी तो तब तक हम अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में पानी ले लिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। तो जैसे ही पानी में उबाला जाएगा तो अब हम इसके ऊपर ये चॉकलेट का बाउल रखेंगे, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम कर देंगे और इसे चम्मच से इस तरह चलाते हुए मेल्ट करेंगे। तो ये चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए मैं डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में रख कर भी मेल्ट कर सकते हैं, पर मेक श्योर कि हम इसे डायरेक्ट गैस पर मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ आप देखिए हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो ये लगभग 1 घंटा हो गया है, मैंने बार्स को फ्रीज में से अलग निकाल लिया है और आप देखिए कि अच्छे से सेट हो चुकी हैं। तो ये हमारी जो चॉकलेट है वो भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है और मैंने एक प्लेट में एक बटर पेपर को इस तरह बिछा लिया है। तो यहाँ बाउंटी बार्स बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि आप जब भी बाउंटी बार्स बनाएं तो चॉकलेट को पहले हल्का सा ठंडा कर लें, क्योंकि अगर आप बहुत तेज़ गर्म चॉकलेट में बार्स को डालेंगे तो हमारी जो बार है वो चॉकलेट में ही मिक्स हो जाएंगी। तो अब हम ये बार लेंगे और इसे चॉकलेट में इस तरह कोट करेंगे और इसे बटर पेपर के ऊपर इस तरह अलग निकाल लेंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे फॉइल पेपर या फिर किसी प्लास्टिक की प्लेट में भी रख सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर किसी नाइफ या स्पैचुला से इस तरह मार्क लगा देंगे जैसा कि बाउंटी बार्स के ऊपर होते हैं, और सारी बाउंटी बार्स को इसी तरह सेम प्रोसेस से चॉकलेट में कोट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी बार्स को चॉकलेट में अच्छे से कोट कर लिया है। तो अब हम इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि जो हमारी बाउंटी बार्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। तो ये लगभग 1 घंटे बाद मैंने इन्हें फ्रीजर में से बाहर निकाल लिया है और ये हमारी बाउंटी बार्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको इन्हें तोड़ कर दिखाती हूँ ये कितनी परफेक्ट बनी है। आप इन चॉकलेट्स को 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं या फिर आप इन्हें किसी भी ओकेजन पर अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो आप भी इन्हें एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।